हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। बहुत लंबे टाइम वापस आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और जो मिलता था वो पूछता था, भाई क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं आ रही, चैनल बंद कर दिया, क्या हुआ? बात ये थी, एक्चुअली मेरा हो गया था एक्सीडेंट। मैं जा रहा था, रात का टाइम था, करीब 1:45 बजे का मैं बाइक से जा रहा था। स्पीड थी करीब 40 से 50 के बीच की स्पीड थी, और मेरे सामने अचानक से आ गया कुत्ता। कुत्ते में जैसी टक्कर लगी तो मेरी गाड़ी गिर गई और मैं पूरा छुल गया। गाड़ी आगे गिरी, मैं पहले ही गिर गया था। जैसे ही मैं गिरा, वहाँ पे आसपास में जो खड़े हुए थे सोसाइटी के लोग आ गए, गार्ड्स आ गए और लड़के खड़े हुए थे वो आ गए। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद से उठ सकूँ। उन्होंने जैसे ही मुझे उठाया, मेरे हाथ पैर चलवा के देखे मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। जैसे ही मुझे उठाया उन लोगों ने, वैसे मेरे पैरों में दर्द होने लगा, घुटनों में। मैंने उनसे कहा भाई हॉस्पिटल चलो, मेरे दोस्त थे वहाँ पे, मैंने उनको फ़ोन करवाया, उनको बुलाया, फिर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल वालों ने ड्रेसिंग की, फिर मुझे घर पे भेज दिया। मैं गया घर पे, सुबह को उठा, दर्द बहुत हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगे। यह साइड से मैं छुल गया था पूरा, जिसमें करीब 1.5 महीने का टाइम लग गया ठीक होने में, और 1.5 महीने तक बहुत दर्द रहा। ये थी, इसके बाद फिर से एक एक्सीडेंट हो गया, वो भी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम था। जैसे ही मैं जा रहा था, मेरी गलती ये थी, रॉन्ग साइड से जा रहा था, गड्ढा आ गया मेरी गाड़ी के सामने। अचानक से 2 फुट गहरा गड्ढा था वो करीब, और 4-5 फुट चौड़ा गड्ढा था। अचानक से गाड़ी उसमें गिरी, गाड़ी थी स्पीड से, और जैसे ही उसमें गिरी और उछल के फिर बाहर गिरी, तो मेरे हाथ में फिर से इसी जगह पर फिर से चोट लगी जहाँ पर पहले लगी थी, और मेरा जो है ना पैर दब गया था। पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोच रहा हो जाएगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, मैं सोच रहा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ वो। मैं जैसे सुबह को सो, वहाँ से तो मैं उठ के चला गया किसी तरीके से घर पे। सुबह जब मैं सो कर उठा ना, तो पैर मेरा पूरा सूजा हुआ था और दर्द बहुत हो रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करा, वो आए, वो आके फिर हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे एक्सरे हुआ हॉस्पिटल में, उसमें ज़्यादा बड़ी तो कोई बात नहीं आई। मेरे पैर पर प्लास्टर हो गया, और प्लास्टर होने के बाद मैं पड़ा रहा करीब 1 हफ्ते बेड पर पड़ा रहा। पड़ा मैं बीमार भी हो गया था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालत डाउन होने के कारण मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, उससे करीब मेरा नुकसान भी बहुत हो गया था। मतलब ये पिछले 6 महीने में 2 बार मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का पैर में दर्द होता है। और मैं आया हूँ रोहिणी सेक्टर 16, सेक्टर 12 और सेक्टर 6 के बीच में एक बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम है जापानीज पार्क। इसका असल नाम जापानी पार्क है और इसको जापानीज पार्क के नाम से जानते हैं। ये मेट्रो वॉक के बराबर में है, इसके पास मेट्रो स्टेशन रिठाला और रोहिणी वेस्ट है। ये बहुत बड़ा पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, अगर आप सुबह को घूमना शुरू करोगे और आपको घूमते घूमते शाम हो जाएगी, लेकिन ये पार्क पूरा नहीं हो पाएगा। ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, बहुत बड़ा सा एक तालाब है, इसमें बोट भी है छोटी छोटी जो अब बंद पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ फैमिली के साथ में आना चाहते हो तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आ सकते हो, उसके बाद ओनली कपल्स, उसके बाद आपका आना ठीक नहीं होगा फैमिली के साथ में। इस पार्क में करीब 16 गेट है, लेकिन जो इसके चारों तरफ के 4 गेट हैं, बड़े बड़े मेन गेट जो है वही खुले रहते हैं, बाकी सारे बंद रहते हैं। और मेरे पीछे लगी हुई है एक्सरसाइज मशीन, यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज मशीन यहाँ पे लगी हुई है अलग अलग जगह पे। पार्क बहुत बड़ा है, सब जगह पे सब नहीं पहुँच पाते, इसलिए अलग अलग लगाई हुई है। शाम का टाइम शुरू हो गया और सब पार्क में आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पार्क के अंदर बड़े बड़े खांचे बनाए गए हैं, भाई ये बच्चों के खेलने का है, ये बड़ों के खेलने का है, और ये बुढ़ों के खेलने का है, ये औरतों के खेलने का है। औरतें पाठ करती हैं यहाँ पर शाम को आके, बड़े बूढ़े बुजुर्ग पार्ट करते हैं। फुटबॉल खेलने का अलग है, क्रिकेट खेलने का अलग है, वॉलीबॉल खेलने का अलग है। और ये है इस पार्क का फुटबॉल खेलने का ग्राउंड, मेरे पीछे देख रहे हो आप, फुटबॉल खेला जा रहा है। बहुत बड़ा ग्राउंड है फुटबॉल खेलने का, और यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है। ये देखो आप, मेरे पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे एक फाइटर जेट भी है, मैं जा रहा हूँ फाइटर जेट की तरफ, थोड़ा दूर है यहाँ से। अब मैं पहुंच गया हूं फाइटर जेट के पास, ये देखो सामने फाइटर जेट खड़ा हुआ है, और ये फाइटर जेट है 265, और ये है फाइटर की बैक साइड जो अंदर से मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये फाइटर जेट की बॉडी है। ये फाइटर जेट खड़ा हुआ है, इसका बैक साइड मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल अंदर तक खाली है, खोखा है, कुछ नहीं है, एक तरीके से ये फाइटर जेट की बॉडी यहाँ पर रखी हुई है ताकि आम जनता इसको देख सके। और ये करीब अब से 9 साल पहले इसको यहाँ पे लाया गया था, 8-9 साल करीब पहले, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये यहाँ पे पहले नहीं था, फिर कुछ दिन बाद में मैं यहाँ पे आया तो फिर ये यहाँ पे था। ये देखिए फाइटर जेट,
SM-265 फाइटर जेट। फाइटर के चारों तरफ तारबंदी कर दी गई है, जैसा आप देख रहे हो ये तारबंदी कर रखी है। वो इस वजह से कर दी क्योंकि बच्चे इसके अंदर चढ़ जाते थे, इसमें अंदर घुस जाते थे। तो गाइस ये था फाइटर जेट। अब मैं इस पार्क के बिल्कुल बीच में हूँ और मैं ना बाहर जाने का रास्ता खुद भूल गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किधर से जाऊँ। मैं जिस गेट से अंदर आया था मैं उसी गेट से बाहर जाना चाहता था, और वो गेट ढूंढने में मुझे टाइम लग गया बहुत। कभी मैं इधर जा रहा, कभी घूम के फिर उसी जगह पे पहुंच जाता था। अब मैं खैर मुझे रास्ता मिल गया, बीच में हूँ बिल्कुल, मैं यहाँ से मुझे पता है कैसे निकलना है। तो दोस्तों ये था जापानी पार्क, जैपनीज़ पार्क। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, इसको करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए